अरे सुनो, तुम आज इतनी सुबह सुबह रेडी कैसे होगी? आपको मेरे घर वालों से रिलेटेड बात याद ही कहाँ रहती है, भूल गए? मेरी बहन आने वाली है आज। अरे हाँ, उसका तो एग्जाम है ना, वो आ रही है? आ रही है नहीं, आने ही वाली है। लो आ गई। अरे आ गई तू, तू तो शाम को आने वाली थी ना, अब आ गई हो तो वापस भेज दोगे क्या? अब सारी बात गेट पे ही करोगे या अंदर भी बैठाओगे? तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके। नहीं नहीं मैंने अभी पानी पिया था, बैठ जाओ आप। और सब बढ़िया? सब बढ़िया ही चल रहा है, बस ये तुम्हारी बहन मेरा खून पीती रहती है। अब तुम आ गई ना तो सुकून से रहूंगा। अच्छा, मेरी बहन के आगे मेरी बुराई? तो क्या हो गया, जीजा साली का रिश्ता ही ऐसा होता है, मजाक तो चलता रहता है। आप तो लेट नहीं हो रहे थे, आपको जाना नहीं? यार फिर क्या हो गया, अगर 10-15 मिनट लेट हो जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा? और वैसे भी इतने दिनों बाद तो मेरी साली आई है, थोड़ा मन लग जाएगा, बात कर लूंगा। वैसे कितने टाइम तक हो तुम यहाँ पे? बस एग्जाम्स हैं, उसके बाद चली जाऊंगी। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक यहाँ रुको, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे जाओ, लेट हो रहे हो आप। जा रहा हूँ, तू तो मेरे जलती रही हो। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद मिलता हूँ तेरे से। क्या खाएगी बता? नहीं अभी नहीं, भूख होगी तो मैं बता दूंगी आपको। चल मैं तुझे तेरा रूम दिखा देती हूँ। क्या यार, तुम भी 4 दिन पढ़ती रहोगी? और नहीं तो क्या, एग्जाम्स आ रहे हैं, टेंशन तो होती है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। लेकिन एग्जाम्स तो मुझे देने हैं ना। एक काम करते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, उससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं, दीदी को भी बोल देती हूँ तैयार होने के लिए। यार दीदी नहीं जाएगी, वो भी काम कर रही है, हम दोनों चलते हैं ना। तो जब दीदी फ्री हो जाएगी तब चल पड़ेंगे। यार उसको फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, हम दोनों चलते हैं और खूब इंजॉय करेंगे। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों में। देखो यार, ये बेचारी 7 दिन पढ़ती रहती है, मैं कह रहा हूँ उसको बाहर घूमने चलो, ये मना कर रही है। अरे ठीक तो कह रहे हैं, ये बाहर घूमा फ्रेश फील करेगी, तो आप भी चल पड़ो ना फिर साथ में। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको काम करना है। कोई नहीं, मैं काम आकर कर लूंगी। तो ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। नहीं एक काम करते हैं, फिर कभी चलते हैं, फिर बाद में तुम मुझे बोलोगी कि तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। ऐसे तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या दिक्कत थी? जब दीदी नहीं जाए तो मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे यार साली भी तो आधी घरवाली होती है, तुम्हारी बहन नहीं तो तुमसे ही। आपको होश भी है, आप क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बहन को कुछ भी पता नहीं चलेगा हमारे बारे में। दीदी कितना विश्वास करती है आप पे, मैं अभी जाके उनको बताती हूँ आपकी ये सारी चीजें। दीदी कितना विश्वास करती है दीदी। यार क्यों अपने नाजुक हाथों को खराब कर रही हो? छोड़ दो इसे, तुम्हारी बहन कर देगी काम। कभी हमारे साथ बैठ के दो बातें भी कर लो यार। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? उन लड़कियों में से नहीं हूँ मैं, सब कुछ सहन करती रहूंगी। मैं अभी जाके दीदी को बताती हूँ आपकी हरकतें। अच्छा मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। दीदी क्या हो गया? देखो यार तुम्हारी बहन मेरी कुछ नहीं लगती क्या? मैं इसको समझा रहा था, इसने उल्टा मेरे को ही सुना दी। दीदी जी जो झूठ बोल रहे हैं। चुप रह, क्या हुआ आप बताओ। यार बात क्या होनी थी, थोड़ी देर पहले किसी लड़की से बात कर रही थी, मैंने इसको समझाया कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उल्टा इसने मेरे को सुना दी और मेरे पे हाथ भी उठाया इसने। तेरी इतनी हिम्मत, तूने इन पे हाथ उठाया? दीदी ये जो झूठ बोल रहे हैं, तू रहने दे, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ।
इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर इसके एग्जाम्स ना होते मैं इसको अभी भेज देती। कोई बात नहीं, कुछ टाइम लगेगा, समझ जाएगी। देख लिया, तुम्हारी बहन ना तुमसे ज्यादा मेरे पे विश्वास करती है। वो इतना विश्वास करती है आप पे और आप उनके विश्वास का फायदा उठा रहे हो ऐसे। जिसकी साली तुम्हारे जैसी हो ना उसको फायदा उठाने में भी बहुत मजा आता है। हद ले रहो अपनी। ठीक है, देखता हूँ कब तक चले गए सब। अब यही रास्ता है, एग्जाम तो मैं घर जाकर भी दे दूंगी लेकिन यहाँ रहकर अपनी बहन का घर खराब नहीं होने दूंगी। ये देखो, अब की बार तुम्हारे बर्थडे पे ये ड्रेस गिफ्ट करूंगा तुम्हें। ये वाली ज्यादा अच्छी। दीदी मैं घर जा रही हूँ। घर क्यों? बस घर की याद आ रही है बहुत। तू पागल है क्या? तुझे पता है ना मम्मी ने तुझे यहाँ किस लिए भेजा है? हाँ पता है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। मैं समझ गई यहाँ तेरा मन क्यों नहीं लग रहा। तेरे जीजू और मैं ना सिर्फ इसलिए, और तुझे उस लड़के की याद आ रही होगी। मुझे लगता है हमारी किसी बात का इसको बुरा लग गया है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बस। देख हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तू छोटी बहन है मेरी, मुझे नहीं लगता तुझे हमारी किसी बात का बुरा लगना चाहिए। आप भी मेरी दीदी हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए जा रही हूँ बस यहाँ से। तू मुझसे बहुत प्यार करती है इसलिए जा रही है मतलब? अरे देखो, जब तक तुम्हारे एग्जाम क्लियर नहीं होते प्लीज तब तक यहाँ रुक जाओ। तुम बैठो, मैं समझाता हूँ इसे। मुझे पता तुम ऐसे क्यों जा रही हो, तुम्हें जाना ना बेशक जाओ पर अपनी बहन को साथ लेके जाना। मेरी दीदी मेरी जिंदगी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उनकी लाइफ खराब नहीं कर सकती। तो कौन कर रहा उसकी लाइफ खराब है? मैंने कुछ बोला है उसको? उसकी लाइफ तू खराब कर रही है उसे सब कुछ बताकर। इसलिए तो जा रही हूँ मैं यहाँ से क्योंकि आप जैसा घटिया इंसान रिश्तों की कदर नहीं कर सकता। मैं रिश्तों को नहीं समझता, समझता हूँ तभी तेरे से प्यार करता हूँ और तेरी बहन से भी ज्यादा। बताना चाहूँ तो दो मिनट में बता दूँ लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं इसलिए उन्हें और परेशान नहीं कर सकती मैं। नहीं चाहती ना तो अंदर जाके अपना बैग रख दे वरना मेरे को दो मिनट नहीं लगेगी पेपर पे साइन करते वक्त। अभी तलाक दे दूंगा उसको। क्या हुआ मान गई क्या वो? अरे आओ बैठो, सामान रख दिया अपना सारा? यार मानती क्यों नहीं, साली है मेरी। साली कभी जीजा की बात डाल सकती है क्या? कहा था ना बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, और तू मेरी छोटी बहन है इसलिए तुझे समझा रहे थे बस। तुम्हारा तुम्हारा नहीं, मैं तो सृष्टि का भी बहुत ध्यान रखता हूँ, आखिर इकलौती साली है मेरी। तुम बैठो मैं खाना खा लेता हूँ। कैसे चाय और कप की क्या किस्मत है ना, काश मैं कप होता। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो आप, समझे? अरे लिमिट तो क्रॉस बनती है साली जी। कहाँ जा रही हो, कभी हमारे साथ भी घूमने चल पड़ो। आज तुम्हारी बहन के सामने बोलूँगा, मना मत करना। आपने कभी सोचा है जब दीदी के सामने आपका जूठा नकाब सामने आएगा तो कैसा लगेगा उन्हें? कौन बताएगा, तुम तो बताने से रही, अगर तुमने बताया तो तलाक। आपको क्या लगता है झूठ कभी ना कभी एक दिन सामने आ ही जाता है? कभी नहीं आएगा, तुम डरो मत। वाह बहुत अच्छा किया आपने, मेरी बहन मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने इतना सब बर्दाश्त कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला। दीदी सब सुन लिया आपने?
हाँ मैंने सब सुन लिया। इस भोली शक्ल के पीछे का जो राक्षस था वो दिख गया मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ये क्या बोल रही है कि मेरी दीदी को तलाक देके मुझसे शादी कर लो? दीदी इन जैसा घटिया इंसान क्या समझेगा आपकी फीलिंग्स के बारे में? अगर इनको आपकी फीलिंग्स की कदर होती तो ये सोच लेते कि आप कितना प्यार करते हो इनसे। तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत चलाक है, इसे अभी घर से निकालता हूँ मैं। बस करो आप, कितना झूठ बोलोगे? अपनी इज्जत की कुछ भी परवाह है आपको? इतना गिर गए हो आप। इनके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार होता ना तो ऐसे बिल्कुल ना करते, और ऐसे घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। जाएं खुद की घर की इज्जत में हाथ डालें। दीदी क्या बोल रहे हो आप? आप मेरी वजह से अपना घर क्यों खराब कर रहे हो? ये क्या बोल रही हो तुम? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन की सारी गलती है। अब तक सहन कर रही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। इतनी सी भी शर्म बची है ना तो कहीं डूब के मर जाना। बात तेरी नहीं है, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तब भी मैं यही करती। इस घटिया इंसान के साथ अब नहीं रह सकती मैं। चल और आप डाइवोर्स के पेपर साइन करने के लिए रेडी रहना।